स्टार्ट करते हैं। ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्प्रिंग्स कंटिन्यू करेंगे और स्प्रिंग्स के अंदर स्प्रिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव शीट दो काम करने हैं हमने। विल स्टार्ट विद स्प्रिंग्स और स्प्रिंग के अंदर लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने। ओके ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि लेट अस सपोज आपके पास दो मासेज हैं स्मॉल m एंड देयर इज अ स्प्रिंग एंड कैपिटल m। दो मासेज हैं स्मॉल m एंड कैपिटल m, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। आपने इन्हें कंप्रेस किया और कितना कंप्रेस किया, आपने इसे कंप्रेस किया बाय x और रिलीज कर दिया। स्प्रिंग एक्सपैंड होगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आएगा और ये स्प्रिंग्स कैपिटल एम और स्मॉल एम के साथ अटैच नहीं है। नेचुरल लेंथ का स्प्रिंग था, जस्ट आपने दो ब्लॉक्स लिए उनको कंप्रेस करके छोड़ दिया। कंप्रेस करके जब छोड़ोगे तो एक मास जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो स्प्रिंग तो वहीं रुक जाएगा, लेकिन ये मास इधर जाएगा विद वी और ये मास इधर आएगा विद स्मॉल वी। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल वी एंड कैपिटल वी, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कितनी वेलोसिटी से ये सेपरेट होगा और इसका जो आंसर आ रहा है स्मॉल वी का अंडर रूट ऑफ के कैपिटल एम एम प्लस एम इंटू एम इंटू एक्स और उसी तरीके से कैपिटल वी इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम एम प्लस एम इंटू कितना एक्स। ठीक, ये आंसर आना चाहिए। स्टार्ट करो। पहला स्टेप क्या लगाओगे, दूसरा स्टेप, उससे तो एक इक्वेशन आएगी, वेरिएबल दो हैं छोटा वी एंड बड़ा वी। सेकेंड इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन m1 v1 इज m2 v2, लास्ट टाइम किया था, अगर स्प्रिंग को दबा दें और रिलीज कर दें तो m1 a1 इज m2 a2, एक तो एक इक्वेशन लगती है और दूसरी ये भी लग सकती है स्मॉल m इंटू स्मॉल v इज कैपिटल m इंटू कैपिटल v, फर्स्ट इक्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन में जब आपने इन्हें दबा के रखा तो कितनी एनर्जी थी स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब आपने रिलीज किया और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर वापस आ गया उसके बाद दोनों ब्लॉक्स लेफ्ट और राइट चले गए, स्प्रिंग की एनर्जी जीरो हो गई और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। तो यहां से स्मॉल वी की वैल्यू, यहां से कैपिटल एम कैपिटल वी बाय स्मॉल एम, इस वी को उठा के यहां पुट करते हैं तो हाफ के एक्स का स्क्वायर हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी बाय स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी का स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल वी के लिए सॉल्व करो, कैपिटल वी आ जाएगा और कैपिटल वी आ गया, कैपिटल वी को यहां पुट करो तो किसकी वैल्यू आएगी, स्मॉल वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर्स आएंगे।
पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. सपोज देयर इज अ पुली एंड देयर इज अ ए ब्लॉक एंड ऑल्सो देयर इज अनदर ब्लॉक कैपिटल एम, ये रहा. ठीक, एंड अ बी ब्लॉक कैपिटल एम. ठीक, क्वेश्चन इज मिनिमम मास ए का बताना है आपको. मिनिमम मास ऑफ ए यू हैव टू कैलकुलेट कि बी अपनी जगह से सिर्फ ऊपर उठ जाए. आपको एक्सेलरेट नहीं करवाना, बस अपनी जगह से इसे हिलाना है. और रादर ऐसा करो, यहां पर एक स्प्रिंग ड्रॉ करो प्लीज. स्ट्रिंग की जगह इट शुड बी अ स्प्रिंग. हम स्प्रिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग खींचेगा. तो आपको कैपिटल एम को अपने फ्लोर से इसे ऊपर उठाना है. ठीक है, तो कैपिटल एम को ऊपर उठाना है. तो बताओ कम से कम मास ए का कितना होना चाहिए? या प्रूव कर सकते हो तो प्रूव कर लो. मिनिमम मास ऑफ ए शुड बी कैपिटल एम बाय टू, ये आंसर आना चाहिए. कैपिटल एम बाय टू स्प्रिंग है, ये पूरा स्प्रिंग है. इधर करेगा नीचे, तभी तो उठेगा वो ऊपर. पहला हिंट, इसको कौन उठाएगा? कैपिटल एम को. एमजी तो वेट है इसका, उठाएगा कौन ऊपर? स्प्रिंग की फोर्स. स्प्रिंग जब एक्सपैंड होगा बाय एक्स तो स्प्रिंग की फोर्स होगी के एक्स. तो के एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट एम जी, पहली इक्वेशन. और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन. बनाओ.
कितने लोग अप्रूव हो गया? नहीं हुआ? देखो सबसे पहले चीज, जब ये नीचे आएगा, मान लो ये नीचे आ गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और मान लो ये मैं इस लेवल को ग्राउंड लेवल मान लेता हूं, तो ये ऊपर की तरफ स्प्रिंग की फोर्स इसको ऊपर खींचेगी के एक्स। अगर आप चाहते हो ये ऊपर जाए तो के एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट बड़ा एम जी, ठीक है, और कम से कम के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, इक्वेशन नंबर वन, कम से कम। और जब ये नीचे आया तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, जब ये नीचे नहीं आया था और जब आया था, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, तो इनका सम हमेशा क्या रहेगा? सेम। दैट इज जब ये यहां पर था ब्लॉक, पुरानी सिचुएशन पे, तो ग्राउंड से कितना ऊपर था एक्स, तो पोटेंशियल बोलो कितनी है एम जी, काइनेटिक क्या है जीरो, रेस्ट पे था, और स्प्रिंग एनर्जी भी क्या है जीरो। लेकिन नीचे आते ही स्प्रिंग खिंच गया तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी हो गई जीरो, और काइनेटिक भी क्या हो गई जीरो, यहां पर आके रुक गया, ठीक है यहां तक। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी, इनको इक्वेट कर देते हैं तो एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां मास, ये छोटा मास एम है, ये बड़ा मास है, ये छोटा मास जो निकालना है आपको, दैट इज मास ऑफ ए। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेंज हो रही है? मास ऑफ ए के। तो ये वैल्यू आएगी यहां से, तो एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसल, तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू हाफ इन टू के। यहां से आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, हाफ यहां पे एक्स भी आएगा, सॉरी के एक्स की वैल्यू यहां से क्या पुट कर सकते हैं कैपिटल एम जी, तो यहां पुट कर लेते हैं स्मॉल एम जी इज हाफ इन टू कैपिटल एम जी, जी से जी कैंसल, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2, तो मास शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? डाउट पूछो। अच्छा मैं डाउट, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछता हूँ जो पिछले बैच में मुझसे पूछा गया। मुझसे ये पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने फोर्स क्यों नहीं यूज़ की, पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वेलोसिटी आप यहाँ पे जीरो ले रहे हो, यहाँ पे जीरो ले रहे हो, लेकिन रास्ते में तो एक्सेलेरेशन है, ठीक। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि रास्ते में इसका मतलब एक्सेलेरेशन भी नहीं है, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, इट इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इन शॉर्ट उसने मुझसे ये कहा कि सेम क्वेश्चन को आप एक बार फोर्स से भी करके दिखा दो। और मैंने ये कहा हुआ है कि हम ऐसे क्वेश्चन किससे करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। मैंने ये नहीं कहा कि हम फोर्स लगा नहीं सकते, फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स तो हर जगह लगती है, फोर्स में क्या प्रॉब्लम है, लगाओ। लेकिन फोर्स से इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको साथ के साथ बताता हूं। आपको पसंद आएगा तो आप फोर्स से क्वेश्चन कर लिया करो, एनर्जी मत करना। तो सेम क्वेश्चन अगर हम मेथड नंबर 2 से करें तो आप नोट कर लो, मेथड नंबर टू में जब ये स्मॉल m नीचे चला होगा तो जो a है, जो a ब्लॉक है, उसका वेट कितना एक्ट कर रहा है mg, और स्प्रिंग की फोर्स कितनी डेवलप हो चुकी है इसमें kx। ऐसी था ना क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये चला था तो x जीरो था शुरू में, स्प्रिंग की फोर्स नहीं थी, वेट ने इसको नीचे लेके आया। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, तो एम जी माइनस के एक्स फोर्स, नेट फोर्स अभी भी नीचे है, एक ऐसा टाइम आएगा एम जी के एक्स को इक्वेट कर लेगा। लेकिन जब तक नहीं करेगा तब तक एम जी माइनस के एक्स, तो इट इज मूविंग विद सम एक्सेलेरेशन, तो हम क्या पुट करेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो इनिशियल और फाइनल पे लगती है, रास्ते में क्या हुआ हम नहीं कंसिडर करते। लेकिन फोर्स रास्ते में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो रास्ते में क्या जनरेट होगी, एक्सेलेरेशन होगी। तो ये इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन क्लियर है पहली, एम जी माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए, ठीक हो गया। या फिर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम, ये स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक।
तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या होती है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई मास एम, ये भी स्टेप क्लियर है। या फिर डी वी इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई मास, एक प्रॉब्लम है अभी, क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर डी वी बाई डी टी चल रहा है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या चल रही है एक्स, वेरिएबल क्या है एक्स और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या जाएगी डी टी। तो एक काम करते हैं हम इस रिजल्ट को डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, इससे क्या होगा डी एक्स बाई डी टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा वी में इन टू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई मास एम। तो वी इन टू डी वी इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई मास एम इन टू कितना डी एक्स। ठीक, अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में जब ये ब्लॉक छोटा ब्लॉक ए चला था तो वेलोसिटी क्या थी जीरो, और जब ये रुक गया तो भी वेलोसिटी क्या हो गई जीरो। ये पहला क्वेश्चन है, दोनों लिमिट्स ही जीरो है, तो इनिशियल भी और फाइनल भी जीरो से जीरो। जब ये चला था तो डिस्प्लेसमेंट थी जीरो, और जब ये नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई एक्स। अब मुझे पता है v की इंटीग्रेशन तो v स्क्वायर बाई टू जीरो से जीरो, इट विल गिव जीरो, अपर लिमिट जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वन बाय मास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म जीरो से लेके एक्स तक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म जीरो से लेके एक्स तक। ये जीरो हो गया, वन बाय मास इंटू एम जी कॉन्स्टेंट है, वन डी एक्स की इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स तक, के कॉन्स्टेंट है, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स तक। तो मास तो यहां से जीरो ही हो जाएगा, तो एम जी वन डी एक्स विल गिव एक्स जीरो से लेके एक्स तक, मस्ट बी इक्वल टू जीरो चल रहा है, माइनस के एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहां से एम जी इंटू एक्स की वैल्यू सॉल्व करके आएगी के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आप नोट करो, ये तो मैंने आपको सीधा लिखवा दिया था एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो ये पूरा स्टेप मेरा क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाएगा और एक ही स्टेप में आंसर आएगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आपको जो इच्छा आप वैसे कर लो, मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ओके क्वेश्चन इज कि सपोज there are two blocks
M1 एंड M2, M1 एंड M2, ठीक, M1 एंड M2 एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के, फोर्स इज एफ। इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, इसमें कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, ठीक, बस ऐसे पड़ा था। आपने क्या लगानी शुरू की? फोर्स, जिससे कि सिस्टम क्या करेगा? मूव। लेकिन यहां पर इस बार क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। पहला क्वेश्चन है जिसमें अब फ्रिक्शन भी है, तो स्टेट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी नहीं, फ्रिक्शन साथ है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। आपको यह बताना है कि फ्रिक्शन का कोफिशियंट अगर म्यू है तो मिनिमम फोर्स कितनी हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स, किस पे जो लगे? M1 पे लगे, जिससे कि M2 अपनी जगह से मूव कर जाए। बस मुझे नहीं चाहिए एक्सेलरेट करे, कुछ ना करे, अपनी जगह से हिल जाए। आई हैव टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F, जिससे कि जो M2 है सेकेंड ब्लॉक अपनी जगह से हिल जाए। और मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए म्यू M1 प्लस M2 बाई 2 इंटू जी। ये प्रूव करो ये मिनिमम फोर्स आनी चाहिए। कंजर्वेशन की जगह ना आप ऐसे करोगे कि मैंने वर्क डन किया, तो हम इसमें लगाने लगेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि नहीं लगेगा बिकॉज इसमें फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पॉइंट है। तो मैंने अभी स्टेटमेंट दी कि वर्क डन लगेगा, तो हम क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगेगी। हमने कितना वर्क डन किया? एफ इंटू एक्स। वो वर्क डन ने क्या किया? स्प्रिंग को एक्सपैंड कर दिया, तो स्प्रिंग के अंदर क्या आ गई? एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और साथ में फ्रिक्शन को ओवरकम भी किया। हिंट है, वर्क डन जो हमारा वर्क डन कैलकुलेट करो जो भी होगा वो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर देगा और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन भी करेगा F into X। और दूसरी इक्वेशन, आपने इसको हिलाना है, कौन हिलाएगा? स्प्रिंग की फोर्स kx किसको ओवरपावर करेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो kx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दो इक्वेशन लगेंगी, कर सकते हो तो करो।
नहीं, ओके इसमें आप ऐसे करो, सबसे पहले आप ये देखो कि इसको चलाना ही है ना, अपनी जगह से हिलाना है, तो मान लो स्प्रिंग की एक्सपेंशन एक्स है, तो कौन इसको चलाएगा के एक्स, और किसको ओवरकम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। क्या ये स्टेप क्लियर है? यानी कि के इंटू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम टू जी, और कम से कम फोर्स इसके इक्वल तो होनी ही चाहिए, ग्रेटर देन ना भी हो तो भी ठीक, क्योंकि मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो मिनिमम केस लेके चलेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, म्यू एम टू जी डिवाइडेड बाय के। तो हमें यह पता लग गया कि स्प्रिंग को कितनी एक्सपेंशन चाहिए होगी, स्प्रिंग को इतनी एक्सपेंशन चाहिए, ठीक। अब वो एक्सपेंशन कैसे होगी, क्योंकि मैंने क्या लगाई इसके ऊपर, फोर्स F। तो फोर्स F लगाने का मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया, जब तक मैंने फर्स्ट ब्लॉक को भी x मूव करवाया तभी स्प्रिंग एक्सपैंड होगा। तो मैंने, अगर स्प्रिंग में एक्सपेंशन x चाहिए तो मैंने फोर्स इनटू क्या करना है, x, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ये वर्क डन क्या करेगा, एक तो स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन ले आएगा x, तो स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन ओवरकम करेगा, क्योंकि जब आप किसको हिला रहे हो, एम वन को, तो यहां पर भी तो फ्रिक्शन होगी, कितनी, म्यू टाइम्स एम वन जी। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना ओवरकम करेगा, म्यू टाइम्स एम वन जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी एक्स, इसको भी एक्स डिस्प्लेस करवाएगा। जब आपका स्प्रिंग एक्स एक्सपैंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली कितनी होगी, इसमें एक्स होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव होता है, तो आपने यहां पॉजिटिव क्यों ले लिया, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ही नहीं, ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो मैंने वर्क डन किया। अगर फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, उसको ओवरकम करने के लिए मेरे को इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा ताकि वो ओवरकम कर सकूं मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, मैंने टोटल वर्क डन निकाला एफ इनटू एक्स, मेरे वर्क डन ने क्या किया, एक तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर की, साथ में फ्रिक्शन का वर्क डन को ओवरकम किया। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहां से एक्स एक्स और एक्स कैंसल, एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स प्लस म्यू टाइम्स एम वन इंटू जी। एक्स की वैल्यू को यहां से यहां पुट कर दो तो हाफ इंटू के इंटू एक्स की जगह म्यू टाइम्स एम टू इंटू जी बाय के प्लस म्यू टाइम्स एम वन इंटू कितना जी, इसमें से कॉमन वगैरह निकालो, जो भी ये फोर्स आएगी ऑब्वियसली क्या आएगी, मिनिमम आएगी और इसके इक्वल आएगी। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा। मैक्सिमम फोर्स निकालनी हो तो पूछेगा ही नहीं, 2000 न्यूटन, 4000 न्यूटन, 2 लाख न्यूटन, इनफाइनाइट उठा के खत्म करो इसे, मैक्सिमम नहीं पूछेगा ना, ऐसे पटक दोगे बहुत जोर की हिल जाएगा वो, तो क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट है, मिनिमम पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सपोज क्या गिवन है कि ये एक मास कैपिटल ए है, ये एक स्प्रिंग है, ये बी है, इसका मास एम, इसका भी एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के, पुली कनेक्टेड है, और यहां पर एक मास एम वन कनेक्टेड है सी। फ्रिक्शन सिर्फ ए में प्रेजेंट है, बस फ्रिक्शन सिर्फ ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं, और सी तो वैसी हवा में है। ठीक, आपको निकालना है, फाइंड रफनेस आप निकालोगे कि यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या रखें, कम से कम म्यू क्या रखें, सो दैट कैपिटल ए किस पे पड़ा रहे, एट रेस्ट। ठीक, तो कम से कम म्यू क्या रखें,
कि कैपिटल ए रेस्ट पे रहे, इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर प्रूव कर सकते हो तो प्रूव कर दो प्लीज।
वही होगा ऑब्वियसली। बताओ कैसे किया? सी के साथ ठीक, डन, ठीक है। एनर्जी लगाई, एनर्जी लगाई, उसके बिना कैसे आ गया? नहीं, बी और सी पे कभी नहीं लगती, पूरे सिस्टम की लगती है। हाँ, दो पोजीशंस पे, इनिशियली पोजीशन, और मैं करके देखता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप चाहते हो कि ये मूव ना करे, कौन इसको मूव करवाना चाहता है? स्प्रिंग की फोर्स के एक्स, और कौन नहीं चाहता? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स एम इन टू जी। क्लियर? अब स्प्रिंग एक्सपैंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मान लो ये एक्स की वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, एक्स का वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब स्प्रिंग क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। ये एक्स का वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब स्प्रिंग एक्सपैंड हो तो उससे भी ज़्यादा भी सकता है, पर ये वो एक्स वो डिस्टेंस है कि स्प्रिंग में इतनी फोर्स डेवलप हो जाए इसको हिला सके। तो ऐसे केस में के इंटू एक्स मैक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या करोगे? म्यू टाइम्स एम जी। वैसे तो अगर आप चाहते हो ये बिल्कुल मूव ना करे तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, ठीक? तो लेकिन हम लिमिटिंग केस ले रहे हैं, तो दोनों की फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? एक्स मैक्स आ गया। कितना? म्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई के, इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट क्लियर है? तो लिमिटिंग का केस क्लियर है यहां तक कि अगर आप चाहते हो कि ये मूव ना करे तो लेफ्ट और राइट की फोर्स शुड बी इक्वल। चलाने की भी यही कंडीशन है और ना चलाने की भी सेम ही कंडीशन होती है, ठीक? नेक्स्ट, अब मान लो कि ये एक्स मैक्स नीचे राइट चला गया, तो ऑब्वियस है बी भी आगे गया होगा, ऑब्वियस है एम भी नीचे आया होगा। कितना? बाय एक्स मैक्स। और अगर मैं इसे ग्राउंड मान लूं, तो अभी अभी डिस्कस किया था हमने कि जब इसकी सिचुएशन ऊपर थी और नीचे थी, जब ये यहां पर था और यहां पर था, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, और जब ये नीचे आ गया तो पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, इनका सम क्या होगा? सेम। तो जब ये यहाँ पर था, कुछ लोग ऐसे सोचते थे अभी दूसरे बैच में कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ M1 की लगाता हूँ। नहीं, मैं M1 की नहीं लगाता, मैं पूरे सिस्टम की लगाता हूँ, विच इंक्लूड्स M1, M2 एंड स्प्रिंग ऑल्सो। कैसे? जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पर अगर ये ग्राउंड है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? M1 into G into कितना? X max। आपको कि सर ये नहीं लिया, इसकी एनर्जी पहले भी और लेनी है तो ले लो, अगर ये ग्राउंड है तो इसकी एनर्जी भी लो, इसकी भी लो, लेकिन दोनों में इट विल रिमेन सेम, तो लेने का फायदा नहीं होगा आपको। तो इट शुड बी जिसकी चेंज हो रही है बस वही कंसिडर करो। ऐसी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी? जीरो। और स्प्रिंग की एनर्जी भी क्या थी? जीरो। जब ये मास नीचे आ गया, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, काइनेटिक इज इंस्टेंट पर जीरो, और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का वही सेम जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था, सेम ही तो है। तो एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट्स दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। एक्स मैक्स से एक्स मैक्स कैंसल, तो यहां से एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 2 इंटू एम वन जी डिवाइडेड बाई के, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर लें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो म्यू टाइम्स एम इंटू जी बाई के इज 2 इंटू एम वन इंटू जी बाई के। जी से जी कैंसल, तो और के से के कैंसल, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? एम वन की। एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू टाइम एम डिवाइडेड बाई कितनी? 2। तो एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, रुकेगा, और इतनी देर में ये आगे आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन और इक्विलिब्रियम में फर्क होता है। इक्विलिब्रियम के अंदर तो रेस्ट भी आ जाएगा, और एक बार जब रेस्ट भी आ गया तो मूव कैसे करेगा? तो ये एक्स मैक्स इसलिए है क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी पहले इंस्टेंट में होगी दूसरी बार उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है बाद में जाके। तो एक बार जब नीचे गिरता है तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी से नीचे गिरेगा, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से ही सॉल्व होगा इसमें। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक? वर्डन से
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज लेट अस सपोज आपके पास ये एक मास है M1, एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है कितना M2, और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है. आपने क्या किया, इस मास M1 को कंप्रेस कर दिया. कंप्रेस कर दिया कैसे, बाय अप्लाइंग सम फोर्स F. और कितना कंप्रेस किया, आपने इसे कंप्रेस किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x1, तो आपने इसे x1 कंप्रेस कर दिया. ठीक, और कंप्रेस करने के बाद छोड़ दिया. अब होगा क्या, ये मास m1 ऊपर 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 जाएगा, नेचुरल लेंथ पे आएगा और फिर एक्सीड करता हुआ यहां पर आ गया m1 m2. ठीक, और कितना ऊपर आ गया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नॉर्मल पोजीशन है, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना ऊपर चला गया, बाय x2 ऊपर चला गया, तो x1 है और फिर x2 है. ये वही क्वेश्चन है जो छोटे बच्चे खेलते हैं, वो एक टॉय आता है स्प्रिंग वाला, वो दबाते हैं उसे और वो हवा में उछल जाता है. तो सेम है, एक टॉय है M1 M2, आपने इसको दबाया और छोड़ दिया. आप ये चाहते हो कि मैं कितनी मिनिमम फोर्स लगाऊं, मुझे फोर्स की मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो जितनी मर्जी लगा लो उसने उछलना ही उछलना है, तो मिनिमम फोर्स कितनी लगाएं F मिनिमम कि ये M2 अपना कॉन्टैक्ट ग्राउंड से छोड़ दे, M2 हवा में उछल जाए, M2 ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज कर दे, तो आपको मिनिमम फोर्स निकालनी है, क्या होगी.
देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि जब ये मास नीचे आएगा, यहाँ आपने इसको रोक के रखा हुआ है, एक्सपेंशन कितनी है एक्स, कंप्रेशन कितनी है एक्स वन, तो स्प्रिंग इसको ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, इसको नीचे इसको ऊपर, कितनी के इंटू एक्स वन, स्प्रिंग तो खुलने की कोशिश करेगा जब आप दबाओगे उससे, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आने की कोशिश करेगी, क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, और इसका वेट कितना नीचे की तरफ एम वन जी, तो ये इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पर इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो पहली इक्वेशन बनेगी एफ नीचे की फोर्स है प्लस एम वन जी नीचे की फोर्स है इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स कितनी है के इंटू एक्स वन, तो नीचे की फोर्सेज इज इक्वल टू ऊपर की फोर्सेज इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स वन माइनस एम वन जी, पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ लगाएगा, पर अब जमीन के नीचे जाएगा नहीं तो क्वेश्चन लगाने का फायदा नहीं है उसमें। ठीक, अब दूसरा, इसको अब रिलीज कर दें, जब छोड़ देंगे तो मास m1 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 ऊपर अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, तो स्प्रिंग की फोर्स उस इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी, जीरो, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो कोई फोर्स नहीं, कोई एनर्जी नहीं, उसके बाद वो फिर खुलना शुरू हो गया, फिर स्प्रिंग में एनर्जी, फिर स्प्रिंग में फोर्स आ जाएगी, अब की फोर्स क्या करेगी, अब इसे वापस लाने की कोशिश करेगी बाय अ फोर्स ऑफ के इंटू एक्स टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ज्यादा खुल चुका है एक्स टू के एक्स टू, और ये ऊपर उठाने की कोशिश करेगी के एक्स टू, स्प्रिंग की फोर्स रिस्टोरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट ना, जब आप ज्यादा खोल देते हो स्प्रिंग को तो बंद रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट होती है, इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा और इसके इसमें जो दबा दोगे तो वापस लाने की कोशिश करेगा, क्या पॉइंट क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि एम टू अपनी जगह से उठे तो k टाइम्स x2 उसे उठाएगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू जी, के टाइम्स x2 एम टू जी से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए, कम से कम किसके इक्वल होना चाहिए एम टू जी, मिनिमम तो कम से कम इसके इक्वल होना ही चाहिए, सेकेंड इक्वेशन भी क्लियर है? ठीक, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? थर्ड, जब आप यहां से आपने इसको रिलीज किया था और रिलीज करने के बाद ये मास यहां से यहां आया था, तो मैं इन दो पॉइंट्स में क्या लगाने वाला हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर और टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर इट विल रिमेन सेम, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी सेम। ठीक, स्टार्ट करें एनर्जी कंजर्वेशन, तो बताओ अगर मैं इसे ग्राउंड लेवल मान लूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, इसको ग्राउंड मानने की बजाय इसको ग्राउंड मान लो, क्यों? क्योंकि इसको मानोगे तो इस केस में आपको यहां भी एनर्जी लेनी पड़ेगी, आप इसको मान लो, इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, ग्राउंड यही मान लिया तो जहां मर्जी मान लो जीरो, इजी हो गया, बोलो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो रेस्ट पे, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग की एनर्जी बोलो हाफ के एक्स वन का स्क्वायर, क्योंकि कितना कंप्रेस्ड है एक्स वन कंप्रेस्ड है, हाफ के एक्स वन का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? ठीक, पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी बोलो यहां पर, अब ये बताओ ग्राउंड से, इस ग्राउंड से ये मास कितना ऊपर आ चुका है एक्स टू प्लस एक्स वन, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी एम जी इन टू एक्स वन प्लस एक्स टू, लेकिन एम के पैर में क्या आएगा एम वन, एम वन क्यों, क्योंकि कौन सा मास ऊपर गया एम वन, तो m1 into g into x1 plus x2। ठीक, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर फॉर एन इंस्टेंट क्या हो जाएगी जीरो, नेक्स्ट स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी होगी हाफ इंटू के इंटू कितना x2 स्क्वायर की x1 plus x2 का होल स्क्वायर, कितने लोग बोलते हैं x2, ठीक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सपेंशन काउंट होती है, पीछे क्या हुआ हमें लेना देना नहीं, अब स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी एक्सपेंशन हो चुकी है x2, तो x2 का स्क्वायर। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी m1 g x1 plus x2 is equal to half, sorry, plus half k x2 का स्क्वायर is equal to, नीचे की एनर्जी कितनी है हाफ इंटू के इंटू एक्स वन का स्क्वायर, इक्वेट कर दिया एनर्जी को एनर्जी के साथ। ठीक, या फिर
एम वन जी एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू हाफ के एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, या फिर एम वन जी एक्स वन प्लस एक्स टू यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू, या टू एम वन जी इज इक्वल टू के एक्स वन माइनस एक्स टू, या टू एम वन जी इज इक्वल टू के एक्स वन माइनस के एक्स टू। ठीक, अब इसके अंदर के एक्स वन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, इसकी जगह ना यही रख लेते हैं, के एक्स वन की वैल्यू हमारे पास है तो मैं के इंटू एक्स वन को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो टू एम वन जी के एक्स वन की जगह क्या पुट करेंगे एफ प्लस एम वन इंटू जी, के एक्स वन की जगह क्या पुट करेंगे एफ प्लस एम वन जी, और के एक्स टू की जगह क्या पुट करेंगे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ के एक्स टू कितना एम टू जी, तो यहां पर के एक्स टू की जगह एम टू इन टू जी, रादर यहां पर माइनस चल रहे, तो यहां पे एफ की फाइनल आंसर जब सॉल्व करोगे तो वही आ रहा है आंसर जो मैंने आपको लिख के दिया। तो ये कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है जिससे कि ये नीचे वाला मास हवा में ऊपर उठ जाएगा। तो आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है और यहां पर एक रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ डी है। आपने स्प्रिंग को खींच दिया और एक्सपैंड कर दिया, रिंग को यहां ले आए, तो रिंग को यहां पे ले आए और यहां आपने पकड़ के रखा हुआ है वेलोसिटी जीरो एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टल में था, ये वर्टिकल में। हाँ, ऐसा कुछ किया हुआ है शायद रिंग वाला। हाँ, ऐसे किया है, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, ये वर्टिकल में हाँ किया हुआ है। ठीक है, बस क्वेश्चन वही है कि जब इसको रिलीज करोगे कि यहां वेलोसिटी वी क्या होगी, हम क्या लगाएंगे इन दो पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन। तो कैसे लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन? सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल काइनेटिक
स्प्रिंग एनर्जी इट विल रिमेन सेम। पोटेंशियल की वैल्यू के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट h, पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, d, तो आप यहां पर क्या करोगे, tan ऑफ 37 डिग्री लगाओगे h डिवाइडेड बाय d, तो h इज इक्वल टू d इनटू tan ऑफ कितना 37, ठीक, tan 37 निकाल लेना क्योंकि cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ठीक, तो वहां से tan 37 पे आ जाएगा, यानी कि मैं समझ लूं h आ जाएगा। और उसी तरीके से मान लो ये जो लेंथ है, नई लेंथ वो y है, तो y का मतलब क्या होगा यहां पर, cos ऑफ 37 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय y, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 इज d डिवाइडेड बाय y, तो y की वैल्यू आएगी 5/4 इंटू d। क्यों निकाला, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं एक्सपेंशन इन दी स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की एक्सपेंशन होगी क्या, नई लेंथ y माइनस ओरिजिनल लेंथ d, तो y का मतलब क्या है 5/4 इंटू d माइनस d, यानी कि कितना आएगा d बाय 4, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। एक्सपेंशन क्यों निकल रही है, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या वैल्यू पुट की जाएगी इसमें, d बाय 4। समझ आ रहा है यहां तक एक्सपेंशन कैसे निकलेगी, तो ये लेंथ निकाल लो नई वाली, इसमें से पुरानी ओरिजिनल लेंथ को माइनस करोगे तो एक्सपेंशन आ जाएगी, और ये लेंथ कैसे निकलेगी भाई, ज्योमेट्री निकलेगी, ठीक। और पोटेंशियल यहां पर क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि मैं इसे ग्राउंड लेवल मानता हूं, और काइनेटिक भी क्या, काइनेटिक क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग यहां पर एनर्जी जीरो देगा, तो यहां से इक्वेट कर लेना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू के इंटू, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है, सॉरी, एम जी एच, तो यहां पर आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच, तो x की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, d बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच हमने निकाला हुआ है, पुट कर लेना यहां से, सॉल्व करके भी आ जाएगा, जिस तरीका बता रहा हूं ज्योमेट्री से आप सॉल्व कर लेना, बट एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ कैसे निकली बाय ज्योमेट्री आप निकाल सकते हो इसे। क्या हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज देयर इज अ स्प्रिंग एंड अ मास m, ठीक, एंड अ मास m, और ये मास m एक पुली के थ्रू दूसरे मास m के साथ अटैच्ड है, b a, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, स्प्रिंग ए स्ट्रिंग, आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया, ये आगे जाना शुरू हुआ, स्प्रिंग टेढ़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया, आपको इसमें ये बताना है कि वेलोसिटी बताओ ए की क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए यू हैव टू कैलकुलेट व्हेन इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, तो आपको बताना है कि जब ये आगे भाग रहा है और इसने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया ग्राउंड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी उस टाइम, अभी क्यों छोड़ेगा कॉन्टैक्ट, इमेजिन करो जैसे किसी ने मेरे पीछे एक स्प्रिंग बांध दिया, और अभी लूज है स्प्रिंग, मैं भागना शुरू करता हूँ, और जैसे भागता हूँ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं हवा में उछल के पीछे आ जाऊँगा, क्योंकि स्प्रिंग है ना, तो एकदम मैक्सिमम उसकी एक्सपेंशन हो चुकी है, फिर कंप्रेशन होगा तो उठा के वो मुझे वापस ले आएगा, तो जब तक एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरा कॉन्टैक्ट ग्राउंड से लूज होगा और मैं पीछे चला जाऊँगा, तो वो उस टाइम मेरी वेलोसिटी वीक है, ये क्वेश्चन है।
देखो सबसे पहली चीज, जब ये अपना मालूम नहीं मेरे को बड़ा आंसर, जब ये स्प्रिंग कुछ ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, मान लो वो पोजीशन है ए की ये पोजीशन है, जब ये अपना कांटेक्ट अभी लूज़ नहीं किया, अभी चल रहा है किसी भी इंस्टेंट पर, और यहाँ पर मान लो थोड़ी देर में लूज़ करने वाला है, तो मुझे एक चीज़ पता है कि तब तक ये भी तो नीचे जा चुका है, एम इधर आया तो नीचे आया। स्प्रिंग की फोर्स रिस्टोरिंग इसको इधर खींचेगी कितनी, के इंटू एक्स, और हाँ इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है, सॉरी लेंथ इज एल, ओरिजिनल लेंथ इज एल, मतलब नेचुरल लेंथ इज एल। तो इस केस में एक्स का मतलब क्या है, एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। अब एक्सपेंशन कैलकुलेट करने का तरीका आपको और कुछ नहीं गिवन, तो एक काम करते हैं, इमेजिन कर लो ये एंगल कितना हो गया थीटा, थीटा, और अगर ये थीटा तो नई लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज सपोज वाई, तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय वाई, या वाई इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो एक्स का मतलब क्या है इसमें, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होगी, नई लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, नई लेंथ वाई, ओरिजिनल एल है, तो एक्सपेंशन की वैल्यू आ जाएगी वाई, वाई का मतलब क्या है एल बाय कॉस थीटा माइनस कितना एल, तो क्या आ गई एक्सपेंशन दिस स्प्रिंग। चाहिए होगी हमें एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक। अब देखो इसके अंदर ये के एक्स है, ये थीटा तो ये भी थीटा, के एक्स कॉस थीटा, और इस तरफ के एक्स साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एन, और वेट कितना एम जी। ठीक, तो के एक्स के दो कंपोनेंट्स बना लिए हमने, तो के एक्स के जो कंपोनेंट्स बने हैं वो समझ में आ रहे हैं कैसे बनेंगे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन एन, ये मेरे पास के एक्स फोर्स थी, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, और वेट इसका एम जी। ठीक, अब किसी भी इंस्टेंट पर जब तक ये ऊपर नहीं उठा, वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, ऊपर और नीचे की फोर्स सेम है, इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स कॉस थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, ऊपर और नीचे की फोर्स इक्वेट। पर अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक अपना कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, तो ऐसे कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या पुट करेंगे जीरो, तो के एक्स इंटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया ना, यानी कि अपना ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज हो गया, कोई भी अगर हवा में उछलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो हो जाता है, याद रखना कॉन्टैक्ट लूज का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ठीक, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एम जी डिवाइडेड बाय कितना केक्स, ठीक, रादर x की वैल्यू निकालते हैं यहां से, x x इज इक्वल टू एम जी बाई के कॉस थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू, वन एंड टू को इक्वेट करेंगे तो l बाई कॉस थीटा माइनस l इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के इन टू कॉस थीटा, या फिर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि l कॉमन वन बाई कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू इधर से एल के और इधर से एम जी
इधर से कॉस थीटा, हम ऐसे कर लें इसे कि कॉस थीटा की वैल्यू को इधर ले गए, एल से कॉमन निकाल के एल को इधर ले आए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रीअरेंज करोगे वैल्यू आएगी, नहीं तो एक और स्टेप लिख लो, एल कॉमन 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के कॉस थीटा, या फिर एल कॉस थीटा एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के एल, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एम जी डिवाइडेड बाई के एल, क्योंकि क्वेश्चन में एम पता है, जी पता है, के पता है और एल पता है, और थीटा मैंने खुद एज्यूम किया था, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने अपने वेरिएबल्स की टर्म में निकाल ली जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे चाहिए होगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा तो पता नहीं ना, अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे वेरिएबल में चल रहा है तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, वैल्यूज में चलता ना तो दिखता कि हाँ 2, 3, 4 वैल्यूज आ गई, जो नहीं आई वो वेरिएबल है, मीन्स हर कोई वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, बट आपको एक आइडिया पता लग रहा है इसमें कि आपने कॉस थीटा की वैल्यू खुद एज्यूम की थी और कॉस थीटा आपने की वैल्यू आपने निकाल भी ली। अब लास्ट इक्वेशन है इसमें, ये तो कॉस थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए सब कुछ, अब आपको ये पता लग गया कि इतने एंगल कॉस थीटा पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जीरो, और बॉडी अपना कॉन्टैक्ट क्या कर जाती है, लूज, आपको एंगल पता लग गया। अब लास्ट लग गया एनर्जी कंजर्वेशन, अगर मैं इसे ग्राउंड मानता हूँ, ग्राउंड वही सेम ओल्ड स्टोरी कि जब ये ग्राउंड है और जब ये मास ऊपर था और नीचे था, हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, किसकी एनर्जी को, पूरे सिस्टम की एनर्जी को, सिस्टम मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग एनर्जी, करें क्विट, जब ये मास यहाँ पर था तो ये कितना डिस्टेंस नीचे आ गया, एक्स, एक्स क्यों, एक्स वॉज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, जितना स्प्रिंग एक्सपैंड होगा उतना ही मास नीचे आ जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बोलो क्या होगी इस इंस्टेंट पर, एम जी इंटू एक्स, काइनेटिक इनिशियली क्या थी, जीरो, स्प्रिंग क्या थी, जीरो, वही सेम पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी, तो जब ये नीचे आ गया ग्राउंड के हिसाब से, पोटेंशियल जीरो, स्प्रिंग एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी, नहीं नहीं ये तो वी अभी मूव कर रहे हैं, वी वेलोसिटी के साथ, ये रुक थोड़ी ना गया, जब ये मूव कर रहे थे एकदम तो इनके पास कुछ वेलोसिटी थी, वो एकदम हवा में उछल गया, तो इस केस में बोलो हाफ प्लस हाफ, एम ब्लॉक्स दो थे और दोनों की वेलोसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिडर करनी पड़ेगी, हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी बाद में दोनों की अटेन हो गई, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा पहले पता है क्यों नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि दूसरे ब्लॉक को हमने पिछले क्वेश्चन में कभी मूव करवाया ही नहीं, वो फ्रिक्शन की वजह से हमेशा किस पे पड़े रहे, रेस्ट पे, अगर वो मूव करते तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी होती है, मूव कर रहा है ना, मैं फिर कह रहा हूँ वो तो तब लेते थे ना जब ये मूव ना करता, वो कितना नीचे जाएगा फिर रुक जाएगा, इसमें तो मूव कर रहा है सिस्टम, ये भी चल पड़ा, ये भी चल पड़ा, वो तो बस एकदम क्या हुआ कि उछल गया हवा में, तो उस इंस्टेंट पर उनकी वेलोसिटी तो थी, तो इन्हें अगर इक्वेट करें तो आपके पास आएगा एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू ये पुट करेंगे जो हमने निकाली हुई है, एम जी एल कॉस थीटा माइनस एल हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज जस्ट एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स की जगह एल कॉस थीटा माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, कॉस थीटा वेरिएबल है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो भी आई ये पुट कर देना, यहां से वेलोसिटी वी आएगा, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, ढूंढ लेना, आंसर मार्क कर लेना जाके। पर अगर आप ये कहोगे सर कंपटीशन में एडवांस टाइप आएगा, आएगा मेंस और नीट में तो नहीं आएगा कम से कम, लेकिन पॉइंट ये है इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपका जो ब्रेन है वो मल्टी डायमेंशनल सोचता है, अलग अलग तरीके से सोच रहा है, तो आपका जो जो सिंपल क्वेश्चन होगा आपको ठीक लगना स्टार्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, नहीं नॉर्मल पेपर में नहीं होता इतना टाइम, एडवांस में टाइम होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं आते वो अलग बात है, टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपका जो पेपर है ना ये टाइमिंग टेस्ट का प्रॉब्लम पेपर नहीं है,